महान लोग बैठे हैं कि मैं बहुत अभिभूत हूँ और सबको प्रणाम करती हूँ जो भी यहाँ पर हैं। सबको अलग अलग से नहीं संबोधित करके मैं महान हस्तियों को, विभूतियों को, संगीतकारों को, मेरे भाई जो भी हैं सबको इस मंच से अभिवादन प्रणाम करती हूँ। मैं शुरू करती हूँ। मैं सुचरिता के आगे मैं गाने लायक नहीं हूँ। ये तो काशी की धरती की विभूति हैं और बड़े क्लासिकल शास्त्रीय संगीत की समय जानी मानी भारत में, क्या हम कहते हैं, इंटरनेशनल लेवल की ये गायिका हैं। और जब 2017 में हम लोग को पुरस्कार मिला तो शास्त्रीय संगीत में इनका भी नाम था, तो हम लोग एक ही साथ लखनऊ मिले, हम लोग एक ही साथ, बहुत अच्छा लगा कि आज फिर हमारी मुलाकात इतने दिनों के पश्चात इनके साथ हो रही है। आकाशवाणी वाराणसी के हम भी कलाकार हैं लोकगीत के, और अक्सर कभी मुलाकात इनसे हम लोगों की हो जाती थी। हमारी बहन है और ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं बहुत अच्छा नहीं गाती हूँ, बस थोड़ा बहुत टूटा फूटा लोकगीत जो मिर्ज़ापुर की है, क्योंकि संगीत तो कला संगीत का गढ़ है और मिर्ज़ापुर संगीत शून्य है एकदम से, समझ लीजिए। वहाँ ऐसा कोई क्या कह सकते हैं, वहाँ ना ऐसा माहौल है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई विद्यालय है, ना ऐसा गुरु है जिससे आप सीख सकते हैं, शून्य है एक तरह से वो धरती। लेकिन वहाँ की एकमात्र जो सुंदर विधा है कजली, उसको हम लोग पकड़ के आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं और उसी को आगे की पीढ़ी को देने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो एक टूटी फूटी दो एक कजली है आपको सुना। कजली गायन में माँ को समर्पित करने की परंपरा है मिर्ज़ापुर की। कजली गायन की परंपरा नहीं है कि जब भी कोई गायक गायिका कजली गाए तो प्रथम कजली माँ के चरणों में समर्पित करें, उसको सुवर्णिनी कजली कहते हैं। मैं उसे में तीर तलवार
अजीता श्रीवास्तव जी का अभिगायन यहाँ पर हम लोग सुन रहे थे। और बनारस के परिप्रेक्ष्य में एक चीज है कि यहाँ पे आकर हम लोगों ने बहुत कुछ सुना। अभी मेरा शिष्य यहाँ बैठा है तो देखिए बनारस के परिप्रेक्ष्य में यहाँ कोई चेला नहीं है। किसी से कहेंगे का गुरु तो वो कहेगा हाँ गुरु, तो मतलब यहाँ दोनों तरफ सिर्फ गुरु ही गुरु है। तो मेरे शिष्य ने कहा कि अरे आपने अपना सब परिचय कराया, जोरदार ताली तो भजवाई ने मुझे इशारा किया, तो एक बार जोरदार तालियां श्रीमती अजीता श्रीवास्तव जी। आज आप लोगों ने सुना बिजली की स्वागत है, स्वागत है। बनारस के भी रंग बनारस के भी चोखा चौचक लाल बड़ा बेमिसाल
जैसे आप लोगों ने इतना समय दिया बस 5 मिनट हो गए, मैं समझ रहा हूँ कि बिजली की गर्जना जैसा तबला वादन, झमाझम पूरब अंग का गायन, झूला और सावनी से सराबोर आज का इस सांगीतिक कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है और मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु